हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं और देशों के बीच में जो व्यापार है, इंटरनेशनल जो ट्रेड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इसके साथ में यहाँ पे जो फेयरनेस है उसके कंसर्न भी उठते हैं और कई बार देशों के द्वारा कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है यूज़ किया जाता है जो कि फेयर ट्रेड को नहीं रिफ्लेक्ट करती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए WTO के कुछ रूल्स हैं, उन्होंने कुछ प्रोविजंस यहाँ पे दे रखे हैं कि अगर फेयर प्रैक्टिसेस नहीं हैं की जा रही हैं दूसरे देश के द्वारा और आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, स्वदेशी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, तो आप कुछ जो अलग टैक्स या ड्यूटीज़ हैं उनको लगा सकते हैं। उसी में एक नाम आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का। तो इंडिया ने यहाँ पे चाइनीज़ इंपोर्ट हैं, स्पेशली स्टेनलेस जो स्टील की ट्यूब हैं, इनके ऊपर इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। इसके अलावा जो यहाँ पे अथॉरिटी है जो इसको रिकमेंड करती है या इन्वेस्टिगेशन करती है, वो है DGTR, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़। इसने यहाँ पे प्रपोज किया है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि इंडोनेशिया से आने वाला जो विस्कोस फाइबर है इसके ऊपर भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए। और इस पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, डंपिंग, एंटी डंपिंग ड्यूटीज़, काउंटरवेलिंग ड्यूटीज़, ये क्या होती हैं, क्या प्रोविज़न है। और इसके अलावा एक और यहाँ पे जो डायमेंशन हम डिस्कस करेंगे वो है जियो इकोनॉमिक्स। इसका जो प्रचलन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसको भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। जैसा आप देख ही रहे हैं कि पहले भी इंडिया ने काफ़ी सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे लगा रखी है एंटी डंपिंग ड्यूटी, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी के केसेस तो चाइना पे हैं, क्योंकि चाइना वैसे भी नोटोरियस है, हम देखते हैं डंप करता है अपने प्रोडक्ट्स को। डंपिंग का मतलब हो गया कि अपना जो प्रोडक्ट है उसको फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे दूसरे देश में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इसे हम डंपिंग कहेंगे। पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज राहुल भरद्वाज। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको सेशन का PDF प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा इस लिंक पे फॉलो करके आप जो फ्री स्पेशल क्लासेज हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको 1 पॉइंट सॉल्यूशन मिलता है पूरी तैयारी का। यूज़ द कोड RBLive टू गेट दीज मासिव डिस्काउंट्स एंड पर्सनल गाइडेंस। ठीक है, डंपिंग जैसा अभी हमने डिस्कस किया, मान लीजिए कोई मोबाइल फ़ोन है चाइना के अंदर, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपये है। इंडिया के अंदर वो उस मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे भेज रहा है, लेटस से कि इंडिया को वो 80 रुपये में इस तरह से भेज रहा है, 90 रुपये में भेज रहा है। कुल मिला के जो फेयर उसका मार्केट वैल्यू है वहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में, उससे कम प्राइस पे इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि चाइना चाहता है इंडिया का कुछ भला किया जाए। मेन यहाँ पे जो इंटेंशन है वो ये है कि कम दाम पे वो इंडिया में भेजेगा, तो इंडिया के अंदर जो भी प्लेयर्स हैं, जो कंपनियाँ वो चीज़ बना रही है, उतने कम दाम पे वो बना नहीं सकते, क्योंकि आपने आर्टिफिशियली प्राइस को कम रखा है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू से। तो होगा क्या, हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी जो स्वदेशी इंडस्ट्रीज हैं, वो कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएंगी। जब यहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं रहेगा तो ये 80 रुपये को 180 रुपये भी करके बेच सकता है। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम डंपिंग कहते हैं। डंपिंग की वजह से जो है कंपटीशन हैम्पर होता है, हमारी स्वदेशी इंडस्ट्री, इंडिजीनियस इंडस्ट्री को नुकसान होता है। इसलिए WTO ने यहाँ पे रूल्स बना रखे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, इन्वेस्टिगेशन में आपको मिलता है कि डंपिंग की जा रही है, तो वहाँ पे आप एंटी डंपिंग ड्यूटी, एक तरह का टैक्स है ना, ये आप लगा सकते हो, टैरिफ आप एक तरह से लगा सकते हो। जो जैसे 80 रुपये है, वहाँ पे इंडिया को लग रहा है कि हाँ 100 रुपये होना चाहिए, तो 20 रुपये हमने उसमें ऐड कर दिए। तो इस तरीके से ये रहेगा। इसमें भी एंटी डंपिंग ड्यूटी दो तरह से होती है। एक तो हो गया नॉर्मल जो डेफिनेटिव है, जिसमें एक बार लग गई तो 5 साल के लिए लगेगी, अनलेस रिवॉक्ड, अगर आप खुद से नहीं हटा रहे हो तो 5 साल के लिए वैलिड रहेगी। एक होता है प्रोविजनल, जिसमें 6 महीने तक लगाई जाएगी, देखा जाएगा किस तरह की स्थिति है, फिर उसको आगे कंटिन्यू करते हैं नहीं करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टर्म है जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यह है काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी ड्यूटी। जैसे हमने डंपिंग का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे 100 रुपये फेयर वैल्यू थी और 80 रुपये में ये बेच रहा था, लेकिन हम माने कि यहाँ पे इसके मार्केट के अंदर भी इस तरह से 100 रुपये है और इंडिया में भी इस तरह से 100 रुपये दिया जा रहा है, तो देखने पे ऐसा लगेगा कि डंपिंग तो नहीं है, लेकिन ये जो 100 रुपये पे ये कंपनियाँ बेच पा रही हैं, इसका रीज़न ये है कि इस बहुत ज़्यादा हैवीली सब्सिडाइज्ड ये प्रोडक्ट है, इस पे बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से मदद या सब्सिडी दी जा रही है, और उस सब्सिडी को अगर इंडिया के अंदर या किसी और देश में नहीं है तो इतने कम दामों पे कंपनी नहीं बना पाएगी। अगेन, आपका कंपटीशन में आप यहाँ पे पीछे रह रहे हैं। तो सब्सिडी से होने वाली जो हानि है, उसके जो नेगेटिव इफेक्ट हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एंटी सब्सिडी ड्यूटी का प्रोविज़न भी यहाँ पे है। इंडिया के अंदर हम देखें तो DGTR, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज़, ये जो इंस्टीट्यूट है, ये इस तरह से पूरा इसको डील करता है। ये आ रहा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, और चाहे डंपिंग हो, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज़ हो या सेफ गार्डिंग मेजर्स हो, ये सब यहाँ पे लेगा। अगर कोई कंप्लेन यहाँ पे जाती है, जैसा स्टील वाले केस में गया, इंडोनेशिया वाले केस के अंदर गया है, चाइना इंडोनेशिया दोनों ही केस में,
जब जो ट्रेडर्स हैं यहाँ पे उनकी तरफ से ये जाता है इन्फॉर्मेशन उनके पास में प्रोड्यूसर्स की तरफ से, तो ये इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन जांच के अंदर अगर सही पाया जाता है तो फिर ये क्या करेगा, रिकमेंडेशन करेगा। रिकमेंड ये करता है, लेवी नहीं कर रहा है। लेवी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो पावर है वो तो सरकार के पास है, तो यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री उसको क्या कर रही है, इम्पोज कर रही है। DGTR ने केवल और केवल रिकमेंडेशन दिया है। क्यों इस पे एम्फसाइज कर रहे हैं, क्योंकि UPSC इस तरह से कन्फ्यूज़ करता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया जिसमें कहा गया कि जो MSP है फाइन, उसको कौन इस तरह से लागू कर रहा है या समथिंग, तो उसमें CACP भी एक ऑप्शन था। तो CACP जो एग्रीकल्चर कमीशन ऑन कॉस्ट एंड प्राइस है, ये क्या करता है, रिकमेंडेशन देता है। लगाने की जिम्मेदारी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे है। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं छोटी छोटी, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखें। अब हम आते हैं इस केस पे, क्योंकि बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए। तो चाइना का केस पहले लेते हैं, क्योंकि चाइना पे तो लगा ही जा चुकी है और इसका रिकमेंडेशन सितंबर में दिया था DGTR ने, और इसको अभी इस तरह से इम्पोज़ कर दिया है। तो इंडिया ने इम्पोज़ किया है, ये हैं आपके स्टेनलेस स्टील के ये जो पाइप्स हैं, ट्यूब्स हैं, इनको किया है। और ये जो है हर जगह पर यूज़ होता है, चाहे ऑयल एंड गैस की ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, या फिर हम पेट्रोकेमिकल है, रिफाइनरी है, एटॉमिक एनर्जी है, पावर जनरेटर्स हैं, थर्मल पावर प्लांट है, हर जगह पर इनका यूज़ है। तो यहाँ पे कंप्लेन गई थी कि इस तरह से ये जो है प्रोडक्ट को डंप कर रहे हैं, और उसको DGTR ने इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट किया और इसको सही पाया और फाइनली इन्होंने इम्पोज कर दिया। अब जो प्रोड्यूसर है उसके हिसाब से ये वेरी करेगा, और लगभग $114 से $3,800 पर टन, इतना ये इस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी इस रेंज पे हमने इम्पोज की है। जहाँ तक इंडोनेशिया के केस की बात करें, तो यहाँ पे भी जो है कंप्लेन गई थी, और ये जो विस्कस स्टेपल फाइबर है ये आता है, तो ये क्या होता है, वुड पल्प जो होता है उससे बनता है, एक तरह का बायोडिग्रेडेबल है, और कॉटन का अल्टरनेटिव आप मान सकते हो, टेक्सटाइल कपड़े वगैरह बनाने में इसका बहुत अच्छा यूज़ होता है। तो ये जो विस्कोस स्टेबल फाइबर आता है इंडोनेशिया से, हम इसको इंपोर्ट करते हैं। पहले भी इस पर लगाई गई थी एक बार ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ADD इसको शॉर्ट में कह रहे हैं, लेकिन बीच में इसको हटाया गया। फिर दोबारा से यहाँ पे जब कंप्लेन गई है तो DGTR ने इन्वेस्टिगेशन किया है और इसने रिकमेंडेशन दे दी है कि हाँ यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगनी चाहिए, क्योंकि DGTR की रिकमेंडेशन को ही यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री इम्पोज करेगी या सरकार जो है फॉलो करेगी। तो ऐसा माना जा रहा है कि दोबारा से यहाँ पे जो इंडोनेशिया का ये इम्पोर्ट है इसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जा सकती है। अब हम आते हैं इसकी एक और डायमेंशन है, ये जो हो रहा है जो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो सब चीज़ें चल रही है, इसका एक डायमेंशन और हम देखते हैं। और यहाँ पे बात हो रही है जियो इकोनॉमिक्स की। जियो इकोनॉमिक्स है कि आप जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं या अर्थव्यवस्था है उसका यूज़ कर रहे हैं अपने स्ट्रेटजिक गोल्स को अचीव करने के लिए, जियो पॉलिटिकल गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हम इंडिया और चाइना को देखते हैं, दोनों का ट्रेड देखते हैं, दोनों के बीच में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा है। ईयरली आप देखोगे 100 बिलियन से ऊपर इनका बायलेटरल ट्रेड हो रहा है, और हमारा यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है हम इम्पोर्ट ज़्यादा वैल्यू का कर रहे हैं और एक्सपोर्ट हम कम वैल्यू का कर रहे हैं। तो अगर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमारी जेब से पैसा खर्च हो रहा है, और एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, पैसा कम आ रहा है हमारे पास, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट आप देखोगे ये 60-50, ये अराउंड $50 बिलियन पे ये चल रहा है, जो बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना सारा जो फॉरेन करेंसी है वो इस तरह से चाइना अर्न कर रहा है इंडिया से। तो अगर यहाँ पे इंडिया इंपोर्ट कम कर पाता है तो डेफिनेटली हेल्प ही होगी इंडिया को। और चाइना के द्वारा इस तरह से जो डंपिंग जैसी प्रैक्टिसेस यूज़ की जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये अपने इंपोर्ट को इंक्रीज़ करना चाहता है, तो इसलिए एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसे मीजर्स हैं। हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट है, उसी तरह से इंडोनेशिया के साथ भी हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ये ध्यान रखना है। और आप देखेंगे कि चाइना जो एक समय पर अगर हम अर्ली 2000 की बात करें तो टॉप 5 डेस्टिनेशन में भी नहीं था, जहाँ से हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो इंडिया के इम्पोर्ट करने वाले टॉप 5 डेस्टिनेशन में भी नहीं था, आज ये फर्स्ट नंबर पर है। तो इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को तो डेफिनेटली रेगुलेट करने की ज़रूरत है ही। इसके अलावा इंडिया यहाँ पे चाहेगा कि चाइना का जो मार्केट एक्सेस है इंडिया को ज़्यादा मिले। दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस लेक्चर। PDF जो है सेशन का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री जो और क्लासेस होती है उसके लिंक भी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अपनी पूरी प्रिपरेशन के लिए। सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे यू विल फाइंड दीज प्लान्स। यूज़ द कोड RBLIVE टू गेट द मैक्सिमम अवेलेबल डिस्काउंट एंड पर्सनल गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक, जहाँ पे आपको लाइव मेंटरशिप और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। अभी ये मासिव डिस्काउंट्स चल रहे हैं, टुडे इज द लास्ट डे टू अवेल दीज मासिव डिस्काउंट्स, यूज़ द कोड RBLIVE हियर। नए बैचेज आपके अभी 22 तारीख से स्टार्ट हुए हैं, जिसमें एनरोल करके सिलेबस पूरा कर सकते हैं। IRMS सर्विसेज के लिए एक डेडिकेटेड बैच ऑलरेडी चल रहा है। केवल CSAT अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर केवल टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी मिलते हैं। 0% EMI ऑप्शन भी मिलता है। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। हैव अ ग्रेट डे।